अतीक अहमद को लेकर अपडेट ये मिल रहा है कि अभी भी अपने वाहन में बैठा हुआ है अतीक अहमद, और ये भी जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद को कब रवाना करना है, इस पर भी फैसला किया जा रहा है। अंदर जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो अभी फैसला ले रहा है कि क्या अतीक को आज ही रवाना करना है या फिर और समय लग सकता है अतीक अहमद को रवाना करने में। लेकिन दूसरी तरफ अतीक के भाई अशरफ को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि अशरफ को आज ही रवाना किया जाएगा बरेली के लिए। अतीक को साबरमती जेल वापस भेजने का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, और इसलिए यह जानकारी मिल रही है कि दोनों यानी कि अतीक और अशरफ के वाहन इस वक्त कोर्ट के बाहर ही हैं और दोनों करीब डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे हैं रवानगी का। इससे पहले अशरफ की तरफ अतीक की तरफ से यह दलील दी गई थी, यह कहा गया था कि वो बहुत थका हुआ है, उसे थोड़ा आराम दिया जाए और आज ही रवाना नहीं किया जाए। लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि आज ही हो सकता है कि आज ही अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेजा जाए। हालांकि अभी अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से फैसला लिया जा रहा है, जो प्रक्रियाएं हैं तमाम वापस जेल भेजने की इन दोनों ही आरोपियों को, उस पर अभी फैसला लेना बाकी है और ये फैसला लिया जा रहा है। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि दोनों यानी कि अतीक अपनी वैन में बाहर कोर्ट के बैठा हुआ है, दूसरी तरफ अशरफ भी अपनी वैन का इंतजार कर रहा है कि कब उसे रवाना किया जा रहा है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई अतीक अहमद को, उसके बाद की ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, किस तरीके से कोर्ट के अंदर काफी घबराया हुआ नजर आया, जिसके बाद फैसला सुनाया गया, डरा हुआ नजर आया, खौफ साफ तौर पर चेहरे पर देखा जा रहा था अतीक अहमद के। लेकिन जब बाहर निकला कोर्ट से, जब मीडिया ने सवाल किया, तो उसका कहना था कि कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करता है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट अतीक अहमद जाएगा, उसकी तरफ से साफ ये कहा गया। ये तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जब कोर्ट के फैसला आया उसके बाद अतीक अहमद के चेहरे का हाव भाव आप देख सकते हैं, हाथ हिलाता हुआ मीडिया की तरफ हाथ हिलाता हुआ अतीक अहमद जेल से बाहर निकला, और अभी भी अलग अलग वज्र वाहन में अतीक और अशरफ बैठे हुए हैं। करीब डेढ़ घंटे का वक्त बीत चुका है, दोनों ही भाई अपने अपने वज्र वाहन में बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले अतीक को थोड़ी देर के लिए बाहर लाया गया था, और कुछ देर में अतीक को साबरमती और अशरफ को बरेली जेल ले जाया जाएगा। जैसे ही उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई, उसके बाद ये भी कहा गया, ये भी आदेश दिया गया कि साबरमती जेल वापस अतीक अहमद को भेजा जाए, और अशरफ को जो इस वक्त बरेली जेल में सजा काट रहा था, जिसे वहां से लाया गया था, उसे वापस से बरेली जेल भेजा जाए। करीब 10 घंटे का समय प्रयागराज से बरेली को लगेगा, जिसके लिए माना यह जा रहा है कि आज ही जल्द ही इन दोनों को रवाना किया जा सकता है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए किस तरीके से जब जेल से, जब कोर्ट से बाहर निकला, जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसके बाद बाहर अतीक अहमद जब निकला, तो चेहरे के हाव भाव भी आप देख सकते हैं, और मीडिया की तरफ हाथ हिलाता हुआ अतीक अहमद नजर आया। हालांकि सुरक्षा घेरे में था, और अब उसे उसके वाहन में बैठा दिया गया, जिसके बाद डेढ़ घंटे का वक्त बीत चुका है और इंतजार कर रहा है अतीक अहमद की कब उसे रवाना किया जाए। ये दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अशरफ को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसे वापस बरेली जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।